वर्ल्ड कप में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो बस सब कुछ आखिरी के 6 मैच ही बचे हुए हैं। अगर अभी भी आप ग्रैंड लीग जीतने के लिए सीरियस नहीं हो तो ग्रैंड लीग कभी भी नहीं जीत पाओगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो भी प्रेडिक्शन दी थी आप सभी ने देखा है कि वो प्रेडिक्शन काफी ज्यादा सही निकल रही है अपनी। तो एक बात याद रखना, देखो ग्रैंड लीग जो होती है वो हमें रोज विन नहीं करनी, ग्रैंड लीग हमें बस एक बार विन करनी है, लेकिन वो एक दिन कब आएगा वो हमें भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसका सिंपल सा लॉजिक आप ऐसे समझ सकते हो कि वो प्लेयर उस मैच में चलेगा या नहीं चलेगा ये बात उस प्लेयर को भी नहीं पता होती है। तो ग्रैंड लीग का बहुत सिंपल सा रूल्स है कि जो ये बचे हुए 6 मैच है इन 6 मैच में थोड़ा सा हम सीरियस रहेंगे, सीरियस होकर एग्रेसिव मोड में हम ग्रैंड लीग खेलेंगे ताकि यहां पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल पाए, हम अच्छी खासी अर्निंग कर पाए। ग्रैंड लीग के साथ में स्मॉल लीग से हम लगातार मतलब प्रॉफिट करते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्मॉल लीग से प्रॉफिट अब काफी नहीं रहेगा क्योंकि 6 मैच जो बचे हुए हैं इन 6 मैच में हम ग्रैंड लीग के हिसाब से टीम बनाएंगे ताकि यहां पर हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा है। और इन 6 में से किसी एक मैच में भी हमारी ग्रैंड लीग जीत गए तो डेफिनेटली वो अमाउंट बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो मैच है पुणे में खेला जाएगा जो कि है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का वर्ल्ड कप का 13वां मैच। अब इस मैच में भी हमें ग्रैंड लीग खेलने का मौका मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहां पर मेरी प्रेडिक्शन दूंगा कि कौन सा प्लेयर किस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है ताकि यहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाओ। साथ में जो प्लेयर मैं बताऊंगा अगर उसे आपने ध्यान से समझा तो अपनी टीम के अंदर भी अप्लाई करोगे, और जो आप टीम बनाओगे उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन रखोगे, कॉम्बिनेशन भी मैं अभी बताऊंगा आपको। इस वीडियो के अंदर मैं गिव अवे भी कर रहा हूं क्योंकि आखिरी के मैचेस बचे हुए हैं तो गिव अवे बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली गिव अवे भी होगा। गिव अवे का क्वेश्चन मैं वीडियो में आगे पूछूंगा जिसका जवाब देकर आप पैसे कमा सकते हो। विनर अनाउंसमेंट में टेलीग्राम पे करूंगा, परफेक्ट विन के काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल बन चुके हैं, जेन्युइन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ में इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर गिव अवे विनर बनने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में आप सभी के लिए एक ऐसा ऑफर लाया हूँ जिसके अंदर आप 1 रुपए के अंदर मेगा कॉन्टेस्ट खेल पाओगे, यानी कि 1 रुपए में आप रैंक 1 लाके काफी बड़ा अमाउंट जीत सकते हो, किस तरीके से वो सब वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 टीमों का मैच है जो कि है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। इन दोनों टीमों ने आमने सामने 4 मैच खेले हैं। अगर इस 4 मैच की बात करें तो कॉमन सेंस की बात है वो 4ों मैच से यहाँ पर अगर बात करें तो 3 मैच यहाँ पर किसने विन किया, ऑस्ट्रेलिया ने विन किया, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हो। ये वाला मैच भी एक तरफा रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 मैच टाई रहा है, ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अगर यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम लगातार मैच विन कर रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी बढ़िया कर रही है, ठीक है। इसी के साथ में अगर नोटिस करें तो बांग्लादेश की टीम ने अपना लास्ट का मैच विन किया था, लेकिन इससे पहले के वो लगातार हारी, तो ये चीज़ साफ तौर पर दिखा रही है कि लगातार हारने की वजह से यहाँ पर एक चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम इतनी ज़्यादा फॉर्म में नहीं और इतनी ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। अगर यहाँ पर मान लो कि कोई और टीम होती, साउथ अफ्रीका होती या फिर कोई और टीम होती, तो डेफिनेटली हम थोड़ा अलग तरीके से कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा फोकस करना है ग्रैंड लीग के हिसाब से। तो अगर ग्रैंड लीग के हिसाब से फोकस करना है तो एक यहाँ पर कॉमन सेंस बनता है कि हम जो कॉम्बिनेशन रखेंगे वो इस मैच के अंदर रखेंगे फिर से 8-3 का, ठीक है। क्योंकि यार एक तरफा मैच यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम 10 टीमें भी बनाते हैं तो 1 से 2 टीमें हम 10-1 के हिसाब से भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कि हमारा मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल ने लास्ट मैच में कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, इसका आइडिया हमें बहुत अच्छा है कि यार मैक्सवेल कितना धमाकेदार लास्ट मैच में खेला था, किसी को भी आइडिया नहीं था, किसी ने भी यहाँ पर मैक्सवेल पर ज़्यादा वेटेज देने की सोची नहीं, क्योंकि भाई प्लेयर इंजर्ड है, लेकिन उसने पूरा गेम चेंज कर लिया, मतलब एक तरफा जीत दिला दी, ठीक है। आप सभी जानते हो कि किस तरीके से ये मैच ने विन किया, डेफिनेटली मैच से उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया विन करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने विन कर दिया, तो कुछ ऐसा हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि इस मैच के अंदर भी मैक्सवेल को लोग अब ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे अगर मैक्सवेल खेलता है तो, ये सबसे बड़ी गलती होगी। गलती क्यों होगी, क्योंकि लास्ट मैच में वो प्लेयर बहुत अच्छा चला, ठीक है, उसने यहाँ पर विन कराया, लेकिन हर मैच के अंदर वो चलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लेयर इंजर्ड भी है, हालतें खराब भी होती है, वो उस समय जो जो से एक फॉर्म में प्लेयर चल गया, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा, हम रिस्क लेना प्रीफर करेंगे। यहाँ पर मैं पर्सनली तो रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैक्सवेल अगर नहीं खेलता तो उसकी जगह कौन सा प्लेयर आएगा वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये बात समझो कि एक मैच में बहुत अच्छा कर गया, इसका मतलब ये नहीं नेक्स्ट मैच भी करे। आप सभी जानते हो विराट कोहली के साथ भी यही हुआ था, एक मैच में बहुत अच्छा किया, दूसरे मैच में अच्छा किया, लेकिन तीसरे में फ्लॉप हो गया, 0 पे भी आउट हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जीतनी है ग्रैंड लीग। अगर हमें ग्रैंड लीग जीतनी है तो अगर वो प्लेयर आके 10-20 रन बनाता है तो उसका कोई तुक नहीं बैठेगा, कोई सेंस नहीं बैठता है जब तक वो प्लेयर बहुत अच्छे रन नहीं बनाए। तो हमें ऐसे ही प्लेयर को वेटेज देना है जो हमें यहाँ पर ग्रैंड लीग जिताकर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस कॉम्बिनेशन को समझ गए होंगे कि 1-2 कॉम्बिनेशन हम रखेंगे 8-3 के, कि 8 प्लेयर होंगे हमारे बांग्लादेश टीम सॉरी ऑस्ट्रेलिया टीम के और 3 प्लेयर होंगे बांग्लादेश टीम के। 10-1 का कॉम्बिनेशन भी रखेंगे, 10-1 का कॉम्बिनेशन हम उस केस में रखेंगे जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है
क्योंकि पुणे के यहाँ पर जो स्टेडियम है यहाँ पर होता क्या, पहले आप ये समझो, यहाँ अगर आप सिंपल पुराने जो पुराने मैच है उनको आप नोटिस करोगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि बैटिंग फ्रेंडली, यानी कि यहाँ पर रन अच्छे खासे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टीम रन को चेस करती है, मतलब एक रन ऑस्ट्रेलिया ने मान लो कि यहाँ पर 300 रन का टारगेट दे दिया, ठीक है, अब बांग्लादेश उसको चेस करेगी यानी कि उस रन को बनाने का ट्राई करेगी, तब उसके विकेट गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में हो रहा है, यानी कि कोई भी टीम यहाँ पर अगर टॉस विन करती है तो पहले वो बैटिंग को प्रीफर करती है, तो अगर यहाँ पर बैटिंग को प्रीफर करेगी तो बैट्समैन को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, तो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन में से होंगे और 10-1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर आप 9-2 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है तो उस केस के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रखने हैं, 10-1 के कॉम्बिनेशन, 9-2 के कॉम्बिनेशन और 8-3 के कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार ग्रैंड लीग जीतने स्मॉल लीग की टीम नहीं है, स्मॉल लीग की टीम मैं आपको दिखा दूंगा मेरी स्मॉल लीग की टीम कौन सी है जिससे मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूं, लेकिन हमारा टारगेट है रैंक वन लाना, रैंक वन लाने के लिए दिमाग में ये तो क्लियर है ना कि रैंक वन लानी है, तो रैंक वन लाने के लिए आपको क्या कॉम्बिनेशन लगेगा ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात करेंगे हमारे स्मॉल लीग टीम के, तो स्मॉल लीग टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो 7-4 का बनेगा इस मैच के लिए, कि 7 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की टीम से और 4 प्लेयर यहाँ पर बांग्लादेश की टीम से रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और सीनियर रहेगा, अगर यहाँ पर बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर किसी काम के नहीं है, क्योंकि उस केस के अंदर रन टारगेट अगर कम बनाती है बांग्लादेश, मान लो कम रन बना दिए, तो उस चक्कर में क्या होगा कि अपने कॉम्बिनेशन खराब हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मैच के अंदर टॉस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है, तो टॉस के ऊपर भी चीजें मायने रखेगी, मतलब फर्क डालेगा। तो कुल मिला के समझो कि अगर टॉस यहाँ पर बांग्लादेश विन करता है तो उस केस के अंदर अपने एक एक जो प्लेयर है वो बांग्लादेश की टीम से बढ़ जाएंगे और एक एक प्लेयर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम से कम कर देंगे, जैसे 3 की जगह पर यहाँ 4 हो गए, यहाँ 7 हो गए, तो 7-4, तो इस तरीके से कुल मिला के ये चीज समझना, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली टीम की, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को यहाँ पर देखो, इस टीम के अंदर जो चेंजेस होगा वो बस यही हो सकता है, या फिर मार्कस स्टोनी खेलेगा या फिर ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, तो ये हमें कब पता चलेगा, टॉस के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लाइनअप में हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर यहाँ खेलने वाला है। तो यहाँ पर मैं 12 के 12 प्लेयर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि देखो ग्लेन मैक्सवेल अभी इंजर्ड है, लास्ट मैच के अंदर भी हमने देखा था उसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उस चक्कर में उसकी हालत थोड़ी और खराब हो गई थी, तो जिसकी वजह से हो सकता है शायद वो ये वाला मैच नहीं खेले। लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि मैक्सवेल को खिलाना चाहेगी, क्योंकि अब वर्ल्ड कप एंड हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं टीम के लिए ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर अब हर प्लेयर को डिटेल्स में समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम से जो हमारे टॉप 11 प्लेयर रहने वाले हैं या प्लेइंग 11 जो रहने वाले हैं उसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से होंगे जो कि हमें ग्रैंड लीग यहाँ पर जीता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेयर की बात करें वो है डेविड वॉर्नर, ठीक है। डेविड वॉर्नर का अगर आप सिलेक्शन देखोगे तो कितना दिखा रहा है, 95% का, बहुत बड़ा यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो आपको दिखा रहा है ना। और ये चीज यहाँ पर देखो इस तरीके से समझो कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पर आपको लगेगा डेविड वॉर्नर आउट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि पिच पुणे का है और यहाँ पर डेविड वॉर्नर शायद इसके ऊपर बहुत अच्छा रन बना सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर एज अ वाइस कैप्टन के तौर पे भी हम यहाँ पर जा सकते हैं डेविड वॉर्नर के साथ में। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस करो कितना, 18 रन 15 रन, यानी कि लास्ट 2 मैच के अंदर रन बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे, लेकिन हाँ अब लगातार 2 मैच परफॉर्म नहीं करा तो इस मैच के अंदर हो सकता है बांग्लादेश के सामने रन बहुत अच्छे बन जाए। इससे पहले देखो 81, 104 और 163 रन भी इसने बना रखे हैं, तो ये चीज दिखाती है कि ये प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर एवरेज जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पर अगर इस साल के टोटल इनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज है वो भी काफी अच्छा है, ठीक है, 59 रन का यहाँ पर एवरेज बनता है, तो यानी कि ड्रीम टीम के अंदर ये प्लेयर हर बार एवरेज के हिसाब से आता ही आता है। तो ये चीज यहाँ पर साफ तौर पे दिखाती है कि ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में यहाँ पर इस प्लेयर को सिलेक्ट करना है। अगर रिस्क लेना हो तो अगर आप 4-5 टीमें या 20 टीमें बना रहे हो तो 2-3 प्लेयर टीमों के अंदर ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि यहाँ पर ग्रैंड लीग हम खेलेंगे तो ग्रैंड लीग टीम के अंदर हम कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर हमें सेलेक्ट करना है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर हमें सेलेक्ट करना है तो कैप्टन वाइस कैप्टन का ये चीज समझो कि हर प्लेयर के ऊपर आपको अलग तरीके से वेटेज देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपने 2 टीम के अंदर किसको वेटेज दे दिया, आपने डेविड वॉर्नर को दे दिया, फिर आपने ट्रेविस हेड पे भी वेटेज दे दिया ऐसे बहुत हाई रिस्क की टीम के अंदर, ठीक है। मैक्सवेल हुआ तो मैक्सवेल को हम स्किप करना पसंद करेंगे स्मॉल लीग के अंदर, और ग्रैंड लीग के अंदर क्या करेंगे अगर ज़्यादा टीम बना रहे तो 1-2 रिस्की टीम के अंदर मैक्सवेल को रख देंगे अगर खेलता है तो। बाकी यहाँ पर मैक्सवेल को मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, हर मैच के अंदर प्लेयर नहीं चल पाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
देन यहाँ पर समझो ट्रेविस हेड, ठीक है, दूसरा जो प्लेयर है ट्रेविस हेड, स्मॉल लीग के लिए इस प्लेयर का बताऊं 60% सिलेक्शन रेशियो, स्मॉल लीग के लिए सीधा स्किप करो, स्मॉल लीग के अंदर हम इसके साथ में जाना प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए भी अच्छा ऑप्शन ये नहीं बनता है, ठीक है। पर्सनली इस मैच की मैं बात करूं, देखो आप हेड टू हेड में देखो एक विकेट यहाँ पर दिखा रहा है ऑन एवरेज, और यहाँ पर अगर इसका अपन एवरेज भी देखें, ठीक है एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पर आप एवरेज देखना, ठीक है, तो एवरेज देखो, हाँ कितना दिख रहा है 45 रन का, यानी कि एवरेज ठीक ठाक ही है इसका, लेकिन ग्रैंड लीग जीतने के लिए अपने को एवरेज ज्यादा चाहिए। देखो डेविड वॉर्नर का मैंने इसलिए आपको अच्छा बोला था एवरेज के हिसाब से, क्योंकि इसने 163 रन भी बना रखे हैं, 104 रन भी बना रखे, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस आपको साफ दिखा रही है कि एक मैच के अंदर 109 रन है, यानी कि किसी मैच के अंदर चलता है, वो होता है ना कि यार किसी दिन जम गए तो बहुत बढ़िया खेल लिया, तो हाई रिस्क प्लेयर अपने लिए बन जाता है क्योंकि ग्रैंड लीग भी जीता सकता है। तो इस केस के अंदर हाई रिस्क की टीम अगर बना रहे हो, अगर आप 20 टीमें बनाते हो तो 4 हाई रिस्क टीम बनाओ जिसके अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो, हाई रिस्क ले रहे हो, ताकि ग्रैंड लीग के अंदर एक अच्छी रैंक मिल जाए। 49 लगा के 500 भी मिल गए तो कोई छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि इस प्लेयर के साथ में क्या करना है, स्मॉल लीग में नहीं रखना है, ग्रैंड लीग के अंदर स्किप कर देना सेफ टीमों के अंदर जो ज्यादा बनाते हो, बाकी हाई रिस्क की टीमें बना रहे हो तो उसके अंदर इसको आप वेटेज दे सकते हो। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें यहां पर मिचेल मार्च की, तो यहाँ पर आप देखो ये जो प्लेयर है ना इसका सिलेक्शन रेशियो 84 का है, ठीक है, लेकिन इसके लास्ट मैच के पॉइंट्स पे नोटिस करना कि देखो 24 रन, फिर यहाँ पर 36 रन, 9 रन के साथ में 2 विकेट, 121 रन, 52 रन, 7 रन, ठीक है, एवरेज दिखा है, तो एवरेज ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्यों है, क्योंकि देखो 42 का एवरेज है, साथ में 2 विकेट का भी एवरेज दिखा रहा है, ठीक है, तो एवरेज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इस हिसाब से बात करें तो स्मॉल लीग के अंदर तो इसको वेटेज हम देने वाले हैं, ग्रैंड लीग के अंदर टीम में शामिल रखेंगे, ग्रैंड लीग की टीम के अंदर होगा, और हाई रिस्क की टीम अगर बनाते हो तो उसमें ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी वेटेज दे सकते हो, क्योंकि प्लेयर ने बहुत अच्छे रन भी बना रखे हैं, ठीक है, 121 रन की पारी भी खेल रखी है, यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन का भी ऑप्शन रहता है हाई रिस्क की टीम के अंदर। देखो तीन टाइप की टीमें समझाता हूं मैं, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और हाई रिस्क की ग्रैंड लीग। या तो स्मॉल लीग में आप अच्छा प्रॉफिट आप कमाते ही कमाते हो, या फिर आप ग्रैंड लीग के अंदर एक अच्छी रैंक लाके जीत सकते हो। एक हाई रिस्क की जो टीम होती है, क्योंकि सेफ टीम से आप कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हो, ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क ही यहाँ पर आपको रिवॉर्ड में बदलता है, मतलब एक तरीके से रैंक वन जो आती है वो थोड़ा बहुत रिस्क लेके आती है किसी, क्योंकि आप रैंक वन टीम को देख के सोचोगे यार ये टीम तो कभी किसी ने सोची नहीं थी कि ऐसी भी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा फील होता है देख के लगता है यार ये टीम तो हम भी बना सकते थे, तो वो होगी सेफ ग्रैंड लीग की टीम में, और हाई रिस्क की टीम में होगी जो देख के लगता है कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें स्टीवन स्मिथ की, सिलेक्शन रेशियो 7% का है। अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो 44 रन, 18 रन, 71 रन, 7 रन, 0 रन, 19 रन, एवरेज भी यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर 10 का एवरेज है और साथ में 29 का एवरेज है, ठीक है। इस हिसाब से बात करूँ तो यार ये स्किप करो स्मॉल लीग के अंदर, और ठीक है, और ग्रैंड लीग के अंदर टीम में शामिल रखना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये 30-40 रन की पारी खेल सकता है, तो डेफिनेटली वेटेज देना इसको बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट दिलाएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे माई 11 सर्कल के बारे में। माई 11 सर्कल के अंदर यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन ऑफर है कि आज का जो मैच है इस मैच के अंदर जो मेगा कॉन्टेस्ट है वो आपको सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। किस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करने के 1 घंटे के अंदर अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो यहां पर आपको मिलेगा 49 रुपीज की जगह पर सिर्फ 1 रुपए में, ठीक है, ज्वाइनिंग का मौका। साथ में यहाँ पर ढेर सारे प्राइस मिलते हैं, जैसे कि थार है, एक्सयूवी है, ओडी कार है, 1 करोड़ का प्राइस है, अलग अलग टाइप की ट्रिप है, तो बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है। और अगर आप अपना पहला डिपॉजिट करते हो और हमारा Win20 कूपन कोड यूज करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20% रियल एक्स्ट्रा कैश, ठीक है, डिपॉजिट के साथ में, और यहाँ पर आपको मिलता है 1500 रुपये का कैश बोनस साथ में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख लो, वीडियो को देखने के बाद टीम को समझ लो, जैसे आप टीम समझ जाओ उस टीम को 1 घंटे के अंदर लगा देना, ताकि यहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। अब देखो यहां पर अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्लेयर जो कि है यहां पर लाबुशेन, ठीक है। तो देखो ये लाबुशेन जो है अपना, ठीक है, अगर इसका सिलेक्शन बात करें तो 37% का। अब ये प्लेयर क्या होता है, थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी रिस्की बनता है, क्यों, यहां पर ये देखो 14 रन, 71 रन, 18 रन, 62 रन, 8 रन, 40 रन, 46 रन और 27 रन। अब यार इस प्लेयर के लिए मेरा सीधा सा रिकमेंडेशन ये रहेगा लाबुशेन के साथ में कि यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो एसएल के अंदर मैं इसको वेटेज देना चाहूंगा, अगर यहाँ पर बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगी तो मैं एसएल के अंदर यहाँ पर शामिल नहीं करूंगा। एवरेज इसका 44 का दिखा रहा है, यानी कि इस हिसाब से अगर नोटिस करें तो ये प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए अच्छा चॉइस है, यानी कि आप ग्रैंड लीग के अंदर इसको शामिल कर सकते हो। अगर ये 40 रन भी बना देता है तो ड्रीम टीम के अंदर ही आ सकता है, जिसका यहाँ पर हमें एडवांटेज और बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हो कि स्मॉल लीग के अंदर इसको कब रखना है और ग्रैंड लीग के अंदर इसको आपको वेटेज देना है। अगर 10 टीमें बनाते हो तो 5 में रखो और 5 में मत रखो, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर यहाँ पर बात करें जोस इंग्लिश की, तो यहाँ पर 15% का सिलेक्शन रेशियो, ये प्लेयर इतना कुछ खास नहीं होगा, ठीक है।
जीरो पे आउट हो गया लास्ट मैच में, उससे पहले 3 रन, 38 रन, 14 रन, 13 रन, 58 रन, मतलब कुल मिला के एवरेज परफॉर्मेंस है। इस मैच के अंदर इसको टोटली स्किप करना ज़्यादा प्रीफर हम करेंगे, क्योंकि चलो मैच भले बांग्लादेश के सामने हो सकता है 30-40 रन बना दे, लेकिन वो भी किस केस में होगा पता है, जब ऊपर के जो बैट्समैन है वो बहुत ज़्यादा आउट होने लग जाए तो। लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्दी उनके विकेट गिरेंगे, क्योंकि वो अच्छे खासे रन वैसे भी बना देंगे। तो उस केस के अंदर मैं पर्सनली इसको स्किप रखूंगा। इसका एवरेज भी देखें तो 18 रन के आसपास का दिखाता है, ठीक है? तो 18 रन के आसपास का इसका अभी एवरेज चल रहा है, तो कोई सेंस नहीं है इस प्लेयर को, तू मतलब कोई सेंस नहीं मतलब टीम में शामिल करने का। कुल मिला के ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लेयर हमारा जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की लास्ट मैच की पॉइंट्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी ने मैच देखा हुआ है और कहीं ना कहीं आपने रील शॉट कुछ ना कुछ तरीके से आपने देख ही लिया होगा हाईलाइट वगैरह में, ठीक है? 201 रन के साथ में 1 विकेट, आपको पता है ये प्लेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कैप्टन चॉइस के हिसाब से। जिसने भी इसको कैप्टन बनाया था ना उस दिन, वो उसकी किस्मत ही यहाँ पर चेंज हो गई थी। और एक बात बताऊँ, किसी ने सोचा था क्या ये कैप्टन के लिए हो सकता? तो कभी कभी क्या है कि ये चीजें काम कर जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाई रिस्क की टीम बनाया करो कि कोई सोच ही नहीं सकता वैसी चीजें हो जाए, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर ये ग्लेन मैक्सवेल था इसलिए इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हर कोई प्लेयर इतना अच्छा नहीं खेल सकता है, ठीक है? जैसे विराट कोहली है, ठीक है? अब आपको पता है विराट कोहली में इतना दम है कि वो सेंचुरी या फिर 200 रन भी बना सकता है, 100 रन भी बना सकता है, तो उसमें दम होना चाहिए उतना। अगर उसमें दम ही नहीं है तो वो नहीं खेल पाएगा। रोहित शर्मा भी इसलिए हम कैप्टन बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर वो चल गया तो बहुत अच्छा चलेगा, और जरूरी नहीं हर मैच पे चले, कभी कभी फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा तो ही यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के समझो कि अगर प्लेयर खेलता है तो इसका एवरेज भी देख सकते हो 59 का है, और इस इनिंग के अंदर इसने 35 का इसको कर रखा है, यानी कि यार प्लेयर से स्किप करना हम प्रिफर करेंगे अगर खेलता है तो भी, ठीक है? हर मैच के अंदर जरूरी नहीं, अब ये जो मैच है बांग्लादेश के सामने दूसरे प्लेयर है जो टीम को संभाल लेंगे, लेकिन इस मैच के अंदर अपनी तरफ से तो मैक्सवेल को आपको स्किप करना है। आप देख लेना, ये बात मेरी याद रखना, मैक्सवेल खेलता है मत शामिल करना, रिजल्ट आपके सामने मैच के टाइम में आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है? और वीडियो के शुरू में काफी बता चुका हूँ यार, ठीक है? देन यहाँ पर आप समझो मार्कस स्टोइनिस को देखो, यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 18% का सिलेक्शन रेशियो। प्लेयर की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, देखो 0 विकेट 35 रन के साथ में 1 विकेट, 21 रन के साथ में 2 विकेट, 20 के साथ में 0 विकेट, ठीक है? 17 का और साथ में 2 विकेट का यहाँ पर है, और एवरेज और 20 का है, मतलब कुल मिला के कोई सेंस नहीं है। एक विकेट ऑन एवरेज लेता है, 1 विकेट लेने से यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग विन नहीं होने वाली है। स्मॉल लीग में मैं स्किप करना चाहूँगा और ग्रैंड लीग में भी स्किप करूँगा, दोनों के अंदर मैं अपने स्टोनी को यहाँ पर मैं वेटेज नहीं दूंगा अपनी टीम के अंदर, क्योंकि यार इतने सारे ऑप्शन है, मैं 11 के 11 प्लेयर को टीम में रख दूंगा तो फिर मतलब क्या रहा, मतलब मैं तो रख ही नहीं सकता, फिर बांग्लादेश से मैं एक भी प्लेयर नहीं ले पाऊंगा ना, तो कोई कोई प्लेयर स्किप भी करने पड़ते हैं, वो इस टाइप से प्लेयर होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्लेयर अगर हम समझे तो पेट कमिंस, ठीक है? यहाँ पर देखो जो 40% का सिलेक्शन रेशियो है, जिसकी वजह से ये प्लेयर स्मॉल लीग के लिए तो परफेक्ट नहीं है, ठीक है? एसएल के अंदर हम इसको वेटेज नहीं देना प्रीफर करेंगे, स्मॉल लीग में नहीं खेल रखेंगे अपन, लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज विकेट है वो है यहाँ पर हर मैच का एक, मतलब 12 का है, यानी आप मान सकते हो 1 विकेट ऑन एवरेज मान सकते हो हर मैच के अंदर। अगर 1 विकेट रहता है तो 1 विकेट से यहाँ पर आप चीजें देखो कि किसी किसी मैच के अंदर इसे 2 विकेट भी ले रखे हैं। तो अगर ये प्लेयर 2 विकेट लेता है, जो कि इस मैच के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेकेंड इनिंग के अंदर ये प्लेयर मिनिमम 2 विकेट ले सकता है, यानी कि ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छी चॉइस बन गई। लेकिन किसी चीज़ की कोई गारंटी तो दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि ग्रैंड लीग हमें जीतनी है, तो ग्रैंड लीग जीतने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी जोर देना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अगर चीज़ों को समझना है तो यहाँ पर क्या करना है, इस प्लेयर को जैसे हम क्या करेंगे, जैसे 2 या 3 या 4 या 5 टीमें बना रहे हैं तो आधी टीमों में रखेंगे और आधी टीमों में नहीं रखेंगे, सीधा सा ये लॉजिक है, ठीक है? नेक्स्ट प्लेयर की बात करें मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क का देखो 74% का सिलेक्शन रेशियो, एसएल के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा चॉइस है ये, एसएल में आप स्किप मत करना। यहाँ पर अगर देखो 12 इनिंग के अंदर 19 विकेट इसने लिए हैं, ठीक है? और हेड टू हेड के अंदर भी आप देख सकते हो कि 6 विकेट्स दिखा रहा है 2 इनिंग के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ठीक है? 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मिचेल स्टार्क को अगर वेटेज दे रहे हो तो पेट कमिंस को स्किप करना है, और पेट कमिंस पे वेटेज दे रहे हो तो मिचेल स्टार्क को रखना ही रखना है, ठीक है? मतलब ये तो आपके टीम के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि स्मॉल लीग का प्लेयर है और ग्रैंड लीग के अंदर भी रखेंगे। लेकिन पेट कमिंस के साथ में ऐसा है कि जैसे 3 टीमें आप बना रहे हो, एक टीम के अंदर ये अकेला है, एक टीम के अंदर इसके साथ में ये है, और एक टीम के अंदर ये दोनों भी आप रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है? कुल मिला के
मतलब तीन टीमों का कॉम्बिनेशन देख लेना, बाकी यहाँ पर मिचेल स्टार्क मैंने आपको बता दिया स्मॉलिक के अंदर रहेगा, लेकिन पेट कमिंस स्मॉलिक का प्लेयर नहीं, स्मॉलिक में मत रखना ठीक है। स्मॉलिक की टीमें मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि स्मॉलिक के अंदर हम पैसे लगाते हैं, हार्ड एंड मनी यानी मेहनत की कमाई लगाते हैं, तो यार ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ेगी कि वो पैसे कहीं डूब नहीं जाए ठीक है। बाकी ग्रैंड लीग तो यहाँ पर रिस्क लेना सीधा है कि 49 लगाए, 49 के हमारी आनी चाहिए यहाँ पर रैंक वन, या फिर पैसे वापस नहीं आए तो भी चलेगा। तो हम क्या रैंक वन का सपना देख के अगर टीम लगाते हैं तो रैंक जो होती है वो बहुत अच्छी आती है ठीक है। देन नेक्स्ट प्लेयर की बात करें एडम जंपा। अब एडम जंपा का देखो 90% का सिलेक्शन रेशियो है, एक विकेट, तीन विकेट, तीन विकेट, चार विकेट, चार विकेट, चार विकेट, बहुत तगड़े दिखा रहा। अब यहाँ पर देखना लास्ट मैच के अंदर मैंने बोला था कि एडम जंपा को स्किप कर देना, सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, 94% के आसपास का था। अब यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो 90% हो गया, इससे कम कभी नहीं होगा क्योंकि प्लेयर बहुत तगड़ा है ठीक है, बहुत अच्छे विकेट लेता है। अब लास्ट मैच के अंदर इसने सिर्फ एक विकेट लिया था, दो इनिंग के अंदर से विकेट लिए हैं 3 और 17 इनिंग के अंदर विकेट लिए हैं 35 ठीक है। अब एडम जंपा हाई रिस्क की टीम के लिए वाइस कैप्टन का ऑप्शन है, यानी कि स्मॉल लीग के अंदर ये होगा, ग्रैंड लीग के अंदर होगा, हाई रिस्क की टीम के अंदर इस पे और रिस्क लेंगे हम एज अ वाइस कैप्टन बना के। लास्ट मैच में स्किप किया था, अपना सही डिसीजन रहा था, लेकिन इस मैच के अंदर इसको स्किप करना हमारे लिए अच्छा डिसीजन होगा ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेयर की बात करें हेजलवुड की, 67% का सिलेक्शन रेशियो है। अगर यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की बात करें, दो विकेट, एक विकेट, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है ठीक है। और हेड टू हेड में यहाँ पर एक विकेट दिखा रहा है, 13 इनिंग के अंदर दिखा रहा है 19 विकेट, तो कहीं ना कहीं यहाँ परफॉर्मेंस आप देख सकते हो किस तरीके की है। स्मॉल लीग के अंदर मैं इतना रिकमेंडेशन नहीं करना चाहूँगा, स्मॉल लीग क्या सीधा है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है हेजलवुड को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि यार अभी बांग्लादेश की टीम बची हुई है, तो यहाँ पर अगर टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, टॉस के बाद मैं अपना फाइनल डिसीजन लूंगा हेजलवुड को लेके, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इसके लिए डाउट में हूँ। आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो कि यार हेजलवुड को स्मॉल लीग में रखना सही है कि नहीं है, और ग्रैंड लीग के अंदर तो सीधा सा लॉजिक है कि 10 टीम में बना रहे 5 में रखेंगे, 5 में नहीं रखेंगे, सीधा सा लॉजिक यहाँ पर बैठता है हेजलवुड का ठीक है। बाकी कमेंट करके तो आप बता ही देना कि आपके हिसाब से आपकी यहाँ पर प्रेडिक्शन क्या कहती है इस प्लेयर को लेके। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आगे और बात करेंगे हमारी बांग्लादेश टीम के बारे में ठीक है। बांग्लादेश टीम से हम किन प्लेयर पे वेटेज दे रहे हैं और किन प्लेयर को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। अब बांग्लादेश टीम की बात कर ही रहे हैं तो हर प्लेयर को क्यों ना एकदम डिटेल्स में समझा जाए, तो हर प्लेयर को एकदम डिटेल्स में हम समझेंगे तो उसके लिए देखो चीज़ें। सबसे पहला कौन है अपना, अपना है हसन। हसन का देखो 5% का सिलेक्शन रेशियो है। अगर यहाँ पर हम नोटिस करें रिसेंट फॉर्म की, 9 रन है, 0 रन है, 15 रन, 12 रन, 51 रन, 16 रन, 1 रन, 5 रन, 84 रन ठीक है, आप देख पा रहे हो ना। तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखो मैं टोटली आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पे ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ। अगर टीम भी बना रहा हूँ तो 8 प्लेयर मेरे ऑस्ट्रेलिया की टीम से हो जाएंगे, 3 प्लेयर यहाँ पर हो जाएंगे मेरे बांग्लादेश की टीम से। उस केस के अंदर स्मॉल लीग सीधा स्किप ठीक है, ज़्यादा कुछ बात करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा स्किप। एवरेज है 13 के आसपास की, यानी कि कोई सेंस नहीं है प्लेयर को लेने का इस मैच के अंदर, इसको स्किप रखेंगे क्योंकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने है तो विकेट जल्दी गिर सकता है ठीक है। लीतोन दास पे फिर भी हम होप रख सकते हैं कि यहाँ पर हम हसन पे वेटेज नहीं देके लीतोन दास पे वेटेज दे देंगे। तो 79% सिलेक्शन रेशियो है, एवरेज भी देखे तो कितना है यहाँ पर 27 का, और हेड टू हेड में 20 रन का एवरेज है ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिसेंट फॉर्म 23 रन, 45 रन, 3 रन, 22 रन, 66 रन ठीक है। तो स्मॉल लीग के अंदर तो रख लेना, स्मॉल लीग के अंदर ज़्यादा रिस्क मत लेना, लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर आप क्या कर सकते हो कि 10 टीमें बना रहे हो तो 10 में से सिर्फ 3 टीमों पे ही वेटेज देना, क्योंकि बांग्लादेश के काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनके ऊपर हमें ट्राई देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हर प्लेयर फ्लॉप हो जाए, और हो सकता है कि 5 प्लेयर फ्लॉप है तो उस 5 में से कोई एक प्लेयर होगा जो ड्रीम टीम का बन सकता है, लेकिन वो हमें अभी नहीं पता है कि वो कौन होगा। तो 10 में से 5 टीमों में नहीं रखना है, सिर्फ 2 से 3 टीमों के अंदर ही इसको वेटेज देना है ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखियो। अब नेक्स्ट प्लेयर की बात करेंगे जो कि है हमारा अपना सेंटो ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेयर की बात करें 34% का सिलेक्शन रेशियो है, ये प्लेयर तो स्मॉल लीग के लिए फिर से स्किप ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो एवरेज दिखा रहा है 42 रन का ठीक है। तो अगर 42 रन का इसका 22 इनिंग के अंदर एवरेज है, और यहाँ पर अगर नोटिस करें तो 90 रन, 4 रन, 9 रन और 8 रन, 7 रन, 59 रन, यानी कि ठीक है एक हाई रिस्क की टीम के अंदर इसको आप वेटेज दे सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में नहीं रखेंगे, वो ग्रैंड लीग में टीम के अंदर शामिल करके रखना है ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें महमूदुल्लाह की, तो यहाँ पर देखो 78% का सिलेक्शन रेशियो है, रिसेंट फॉर्म देखो इसका 22, 56, 20, 111, यानी कि काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन है। साथ में हेड टू हेड की बात करें तो 53 का यहाँ पर इसका एवरेज है ठीक है,
और अगर इसका इस साल का रिसेंट फॉर्म भी देखे तो 42 के आसपास का दिखा रहा है और वेन्यू में तो ये अभी तक खेला ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखो चीजें कि कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार बुद्धला को शामिल करे कि नहीं करे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हो तो सुनो ध्यान से, एसएल के अंदर इसको शामिल रखेंगे, ग्रैंड लीग के अंदर इसको नहीं देंगे। ग्रैंड लीग की 10 टीमें बना रहे हैं तो यहाँ पर 5 टीमों के अंदर रखना और 5 टीमों में मत रखना, अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे, ठीक है, बांग्लादेश की टीम से। देन यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि है हमारा एम रहीम। एम रहीम के बारे में ज़्यादा कुछ कहने का सेंस नहीं है, यहाँ पर स्किप करो। लेकिन देखो स्मॉल लीग के अंदर आप स्किप करो या फिर एक चीज, चलो इसका रेशन फॉर्म देखते हैं, रुको। हाँ देखो यहाँ पर है 10 रन, 5 रन, 1 रन, 8 रन, 38 रन, 66 रन। लेकिन देखो हेड टू हेड का जो है यहाँ पर एवरेज, यहाँ पर अगर आप एवरेज देखोगे तो वो कम से कम 20 रन के आसपास का है। यहाँ पर 120 लिखा हुआ है लेकिन ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अगर आप 239 को 6 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा जो करीब करीब होता है 25 रन के आसपास या 30 रन के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर भी देखो इस साल का देखो तो 39 रन का है। तो स्मॉल लीग के लिए इसके प्लेयर हम कर सकते हैं। जीएल के अंदर किसी अगर 10 टीमें बना रहे हो तो 10 में से एक या फिर दो टीमों में आप वेटेज दे सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा यहाँ पर सेंस नहीं है क्योंकि हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। देन हृदय की बात करें, प्लेयर बहुत तगड़ा है लेकिन सिलेक्शन रेशियो 2% ही है। अब यार इस प्लेयर, ये प्लेयर है जो इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ही गंदा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10 में से ग्रैंड लीग की एक टीम में ही शामिल करना है, बाकी स्मॉल लीग के लिए स्किप, ठीक है। स्मॉल लीग के अंदर शामिल मत करना, ग्रैंड लीग के अंदर एक टीम में किसी में रख देना कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो वो टीम आपकी कचरा भी हो जाएगी। वह 49 आपने जो लगाए वो भी मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं यार, अब देखो यार प्लेयर चल भी सकता है क्योंकि अच्छा प्लेयर तो है ये, लेकिन इस पूरे सीजन में ये बहुत गंदा खेला है, ठीक है। और इससे एक्सपेक्टेशन रखने का सेंस नहीं क्योंकि 34 रन का इसका एवरेज दिखा रहा है, 30 से ऊपर का एवरेज है। तो यार प्लेयर अच्छा कर सकता है लेकिन यार इस मैच में वो सेंस भी नहीं और कोई होप भी नहीं है, तो चलो इसके भी करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। बाकी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, गिवअवे का क्वेश्चन मैं अभी आगे पूछूंगा, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हो कि शामिल रखना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें हैंडी मिराज की, तो यहाँ पर 91% का इसका सिलेक्शन रेशियो है। 3 रन के साथ में 1 विकेट, 25 रिसेंट फॉर्म देख रहे हैं अपन, 25 रन के साथ में 3 विकेट, 35 रन, 11 रन के साथ में 1 विकेट। हेड टू हेड अगर देखो 10 रन का एवरेज है और इस साल का 23 रन का एवरेज, साथ में 21 इनिंग के अंदर 22 विकेट, यानी कि ऑन एवरेज 1 विकेट लेता ही लेता है। एसएल के लिए हाई रिस्क ही रहेगा, स्मॉल अगर आप संकोच रखना हो तो स्मॉल लीग के अंदर जो 3 प्लेयर आपको रखने हैं उसमें से एक चॉइस आपके लिए ये भी बनती है, बाकी ग्रैंड लीग में रिस्क लेना बनेगा, यानी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा इस पर ज़्यादा वेटेज देना है कि 10 टीमें बना रहे हो तो 6-7 टीमों के अंदर इसको आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेहंदी हसन की यहाँ पर बात करें तो 9% का सिलेक्शन रेशियो, एक हाई रिस्क यहाँ पर बनता है, लेकिन अगर ये प्लेयर को आप तभी शामिल रखोगे अपनी टीम के अंदर जब बांग्लादेश की टीम, ठीक है, बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करती है। अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर ये टीम बैटिंग करती है तो एक जो हमें टीम के अंदर प्लेयर रखना है वो ये प्लेयर हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर हम वेटेज देना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर हम इसको वेटेज दे सकते हैं, ठीक है। अब आखिरी के कुछ प्लेयर की बात कर लेते हैं जिसके हम वेटेज देना चाहेंगे, तो वो उसमें से है सबसे पहला तो अपने पास टास्किंग अहमद, 11% का ऐसा सिलेक्शन रेशियो है, रिसेंट फॉर्म बहुत गंदा है, 16 इनिंग के अंदर 25 विकेट है। स्मॉल लीग के अंदर हम इसको शामिल नहीं करेंगे, ग्रैंड लीग की 10 में से एक टीम के अंदर वेटेज दे सकते हो, बाकी नहीं, ठीक है। इसके बाद सौरफुल इस्लाम की बात करें, 59% का सिलेक्शन रेशियो है, 10 टीमें ग्रैंड लीग के बनाओ, 2 टीमों में रख लेना क्योंकि 16 इनिंग के अंदर 36 का यहाँ पर इसका 26 का एवरेज है, ठीक है, और 2-2 विकेट भी लेता है। तो स्मॉल लीग के अंदर भी शामिल करना चाहो तो अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यार स्मॉल लीग में वेटेज देना चाहिए तो दे सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया ग्रैंड लीग के लिए कैसे वेटेज दोगे। अब आखिरी के 6 मैच बचे हैं तो थोड़ा सा ट्राई कर ही लो यार लक को, ठीक है। आखिरी प्लेयर की साकिब की यहाँ पर बात करें तो देखो 23% का सिलेक्शन रेशियो है, लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट है, 3 मैच की इनिंग का अगर देखें ओडीआई का तो 5 विकेट इसने ले रखे हैं। कुल मिला के प्लेयर काफ़ी अच्छा सेफ चॉइस बनता है, तो 10 टीमें ग्रैंड लीग की बनाओ, 2 से 3 टीमों के अंदर वेटेज दे सकते हो। स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर इस प्लेयर को हम स्किप करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार पिच वगैरह भी देख लेते हैं, रिसेंट फॉर्म भी देख लेते हैं कि इस वेन्यू के ऊपर किस तरीके से मैचेस खेले गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, साथ में आज का हमारा गिव अवे का क्वेश्चन क्या रहेगा ये भी हम देख लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिच की, तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि अगर कोई भी टीम यहाँ पर इस पुणे के स्टेडियम में यहाँ पर टॉस विन करती है तो वो प्रीफर पहले ये करेगी कि क्यों ना यहाँ पर हम बैटिंग करें, क्योंकि यहाँ बैट्समैन को एडवांटेज रहता है और सेकेंड इनिंग के अंदर यहाँ पर विकेट्स अच्छे खासे गिरते हैं। क्यों ना रिसेंट फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए, रिसेंट फॉर्म देखो इंग्लैंड ने यहाँ पर रन बना रखे हैं 339, ठीक है, कितने 9 विकेट के नुकसान पर। नीदरलैंड ने इसको चेस करने का ट्राई किया लेकिन 179 पे टीम ऑल आउट हो गई, ठीक है।
अब इससे पहले वाला देखो, यहाँ पर साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था, ये गलत मिस प्रिंट है पर आप समझ जाना, 357 रन बनाए थे 4 विकेट नुकसान पर, न्यूजीलैंड ने 167 पे ऑल आउट हो गई। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। इस मैच की अगर आप टोटल देखो तो यहाँ पर आपको हर मैच जो दिख रहा होगा 250 के आसपास या फिर 300 से ऊपर ही दिखा रहा होगा, और रन चेस करने वाले जो है वो 250 के आसपास यानी 250 के अंदर अंदर टीम सिमट के रह गई। तो फर्स्ट इनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकाल के लिए आपको टॉस के हिसाब से टीम को बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बता चुका हूं। अगर टोटल विकेट की बात करें तो फास्ट बॉलर ने इन सारे मैचेस से टोटल विकेट लिए हैं जो करीब करीब होते हैं 20, और स्पिनर ने यहाँ पर 21 विकेट ले रखे, ठीक है। एक बार ये टोटल में शायद थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को, लेकिन आप अगर इनको टोटल करोगे तो यहाँ पर आप चीजें देख पाओगे, ठीक है। टोटल आप कर लेना लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फास्ट बॉलर ज्यादा यहाँ पर विकेट लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर समझते हैं हमारे अब सबसे इंपॉर्टेंट वेन्यू की, कि वेन्यू में जो एवरेज रन रहता है वो किस हिसाब से रहता है। अब देखो यार ध्यान से समझो, 200 से कम रन तो यहाँ पर एक बार भी नहीं बने, यानी कि एक हाई स्कोरिंग पिच हो गया है। 300 से ज़्यादा रन यहाँ पर 7 बार बने हैं। अब 200 से 300 का देखें वो यहाँ पर 4 बार ऐसा रेशियो रह चुका है, ठीक है। साथ में अगर हम देखें टोटल मैच 11 मैच, ये जितना भी डाटा लास्ट के 11 मैच का है, एवरेज स्कोर की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 280 से 300 के आसपास का रहेगा, ठीक है। तो आज का मेरा गिव अवे का क्वेश्चन है कि कौन सा वो ऐसा बॉलर है, ठीक है, ऑलराउंडर नहीं बॉलर, ठीक है, या फिर चलो एक काम करते और इजी कर लेते, इस दोनों टीमों में से, मतलब ये जो दोनों टीमें हैं इन दोनों टीमों में से कौन सा वो ऐसा बॉलर या ऑलराउंडर है जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर का नाम लिखो, एक ही प्लेयर का नाम लिखना है, दो नहीं, मतलब दोनों टीमों से नहीं, दोनों टीमों से कोई एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा उसका नाम आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। और गिवअवे का जो विनर अनाउंसमेंट होगा टेलीग्राम पर हो जाएगा, और उसके बाद आपको प्राइस मनी आपको मिल जाएगी। तो 5 विनर सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट तो मैं करता ही हूँ, 5 विनर और सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर भी आ जाना। अब हाई स्कोर की बात करें तो यहाँ पर बना है 357 4 विकेट के नुकसान पर, लोवे स्कोर को देखोगे तो वो है यहाँ पर 167 10 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। तो मोटा मोटी समझ चुके हो, टाई यहाँ पर एक बार भी नहीं हुआ फर्स्ट इनिंग में, विन जिसने बैटिंग की 6 मैच विन किए, सेकंड इनिंग के अंदर वो 5 मैच विन किए हैं, वो चलो ये सब रेशियो तो ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर क्यों ना चीजें थोड़ी और अच्छे से देखते हैं, इन दोनों को मैं इधर साइड में ले लेता हूं ताकि आप थोड़ा देख पाओ अच्छे से, ठीक है। अब आपको थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करेंगे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन की, कि इस मैच के लिए रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन कौन से होने वाले हैं, जो कि सीधी सी बात है ग्रैंड लीग के लिए यहां पर ऑप्शन होते हैं। तो देखो वो है यहां पर ट्रेविस हेड, साथ में लिटन दास, फिर मैंडी मिराज, और यहाँ पर जोस हेजलवुड, ठीक है। देन यहाँ पर सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो वो है हमारा डेविड वॉर्नर, इसके साथ में मिचेल स्टार्क, फिर यहाँ पर मिचेल मार्श और एडम जंपा, ये चारों के चारों ऑप्शन हो जाते हैं एज ए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के। और मैंने आपको बताया भी कि एडम जंपा पे आप चाहो तो ऐसे वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के अंदर भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन दे रखा है। देन यहाँ पर ट्रम्प कार्ड प्लेयर की बात करें जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको 5 दे रहा हूँ, स्टोन स्मिथ है, मुसाफिर रहीम है, ठीक है, मार्कस स्टोनी है, फिर अपने पास टास्क अहमद है और पेट कमिंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5 हो जाते हैं ऑप्शन हमारे जो काफ़ी तगड़े हैं। देन यहाँ पर आप समझो कि फिक्स प्लेयर और एज ग्रैंड लीग के लिए फिक्स प्लेयर कौन कौन से हैं, ठीक है, सॉरी स्मॉल लीग के लिए फिक्स प्लेयर कौन कौन से, तो स्मॉल लीग के लिए ये यहाँ पर 6 ऑप्शन है। अब ये 6 ऑप्शन जो है अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो उसके अंदर इनको आप वेटेज दे सकते हो। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग के हिसाब से कि ग्रैंड लीग के लिए कौन से वो प्लेयर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको प्लेयर दिखा रहे हैं ये सिर्फ ग्रैंड लीग के हिसाब से हैं, कि अगर आप ग्रैंड लीग के अलग अलग टीमें बनाते हो तो अलग अलग टीमों के अंदर अलग अलग तरीके से इनको आप वेटेज दे सकते हो, किसी के अंदर 2 प्लेयर रख दिए, किसी अंदर इस पूरी लिस्ट से 4 प्लेयर रख दिए, तो अलग अलग टीमें बनाओगे तो उसके अंदर आप वेटेज दे पाओगे, तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। अब यहाँ पर मेरी टीम की बात करें जो मैंने यहाँ पर बना रखी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर देना, ये वीडियो बस खत्म ही हो गई है, जो मैं टीम दिखा रहा हूँ इस टीम को ही जाके लगा देना, क्योंकि आप 1 रुपये में मेगा कॉन्टेस्ट खेल पाओगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर रखा है। अब यहाँ पर टीम देखोगे तो मैंने टीम को थोड़ा स्मॉल लीग के हिसाब से बना रखा है, और ग्रैंड लीग की टीम में आपको जो मैंने वीडियो में आपको अपडेट दिया उस हिसाब से बना देना, बाकी इस टीम के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहो ग्रैंड लीग के हिसाब से 1-2 प्लेयर चेंज करके आप ग्रैंड लीग की टीम भी बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि आइडिया मैंने दे दिया है, खुद पे आपको ट्रस्ट रखना है और खुद पे भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली विन कर लेंगे। जो ग्रैंड लीग लोग विन करते हैं वो उनका भी मतलब वो अपने तरह ही कोई होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग से आके कोई ग्रैंड लीग विन कर रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, बाकी खुद पे ट्रस्ट रखो डेफिनेटली विन करोगे। परफेक्ट फैमिली से काफी लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग विन भी कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैंने बता रखा है, आप जाके चेक भी कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर टीम को देखें तो ऑस्ट्रेलिया से मैंने ले रखे हैं 7 प्लेयर को और बांग्लादेश से मैंने ले रखे हैं 4 प्लेयर को। अब यहाँ पर आप देखो तो रहीम को मैंने एज अ विकेट कीपर को बना रखा है, बैट्समैन में से देखो डेविड वॉर्नर है जिसको मैंने एज अ कैप्टन के तौर पर भी सेलेक्ट कर रखा है, देन बैट्समैन में से मजबूत दुला है, इसके साथ में मिचेल मार्श से भी ट्रेविस हेड है,
और यहाँ पर अदर प्लेयर की बात करते हैं इसके साथ में, आप देखो किस किस को एम अपने पास, एम हसन है, साथ में यहाँ पर आप बॉलर से देखो हेजलवुड है, मैम स्टार के पेट कमिंस से एडम चंपा है, और साथ में अपने पास सोरीफुर इस्लाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मिचेल स्टार्क को ऐसे वाइस कैप्टन बना रखा है, थोड़ा सा रिस्क लेना प्रीफर किया मैंने इसीलिए। बाकी इस टीम के अंदर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, और ये मेरी फाइनल टीम नहीं होगी, इसमें टॉस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो टॉस के बाद आपको टीम कहाँ मिलेगी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है तो जिम्मेदारी से खेलें।